पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर और क्षेत्राधिकारी भोगांव की मौजूदगी में 25 लाख रुपए की शराब का विनिष्टीकरण कराया गया। लगातार मुकदमों में आई शराब के विनिष्टीकरण का अभियान चल रहा है। 125 मुकदमों में इस शराब को पुलिस ने बरामद किया था, जिसको अधिकारियों की मौजूदगी में न्यायालय के निर्देशन पर विनिष्ट कराया गया है। सबसे पहले हम आपको वह तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शराब के निरस्तीकरण की तस्वीरें हैं। दरअसल थाना एलाऊ पुलिस द्वारा शराब निरस्तीकरण अभियान के तहत 5500 लीटर, जिसकी कुल कीमत 25 लाख रुपए थी, इसको निरस्तीकरण कराया गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे शराब निरस्तीकरण अभियान और कार्रवाई के तहत उप जिला अधिकारी भोगांव अंजलि सिंह और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार की मौजूदगी में थाना अध्यक्ष आदित्य खोकर के नेतृत्व में शराब को नष्ट किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी 5500 लीटर शराब करीब 125 मुकदमों में पुलिस ने बरामद की थी, जिसको गड्ढे में दफन कराया गया और आग के हवाले भी किया गया। पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों के कुशल नेतृत्व और देखरेख में अंजाम दी गई है। क्या हो गया भाई?